قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 times a day एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 positions होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर, जो इस पूरी कायनात का रब है।
मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है, जिसे किबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है, आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना, एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव के नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफी सारी मस्जिदों में लेडीज भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म, कास्टिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें। और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो इंसान रीफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज डिटेल में बताने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर। पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत जरूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज, स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी।
तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग. मुस्लिम्स कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा, और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा. इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए. तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है. इस रमजान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स, जिसपे आप अपनी मर्जी के कोई भी कोट्स प्रिंट करा सकते हैं. 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और इसके सारे रूल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक सच कॉन्टेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए. एंड यू कैन ऑल्सो शॉप माई हिजाब्स एंड मॉडर्स ड्रेसेस फ्रॉम माई वेबसाइट ramshasultan.com. एंड हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ.